मसल्स ऑफ फेस, फेशियल मसल्स की बात करते हैं जो कि ऑल आर सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व। तो पहले ईयर की बात करेंगे, देन आईज एंड देन नोज, और फिर ओरल ऑरिफिस। सो ईयर की बात करें तो आते हैं एंटीरियर ऑरिकुलर मसल, सुपीरियर ऑरिकुलर मसल और पोस्टीरियर ऑरिकुलर मसल, ठीक है। उसके बाद आई के बाद याद जाती है, ये होता है ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, जिसके थ्री पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये वाला ऑर्बिटल पार्ट होता है जो ऑर्बिट के ऊपर होता है, ऑर्बिट के मार्जिन्स पे होते हैं, और ये वाला पैल्पेब्रल पार्ट होता है जो कि आईलिड में आता है, ठीक है। ये वाला पैल्पेब्रल पार्ट हो गया और ये ऑर्बिटल पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट जो होता है लैक्रिमल पार्ट होता है, जो कि डीप और लैटरल टू द लैक्रिमल सैक होते हैं, ठीक है, यहाँ पर कहीं होते हैं। अब उसके बाद हमारे पास दूसरा मसल है इसका, कॉरिगेटर सुपरसिलाई मसल, जो कि इधर से निकलता है और जाके स्किन पे इंसर्ट हो जाता है, मिड आईब्रो, ठीक है, उधर इंसर्ट होता है, हो जाता है। और फिर तीसरा होता है हमारे पास एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल, उसकी बात कर सकते हैं, वो होता है लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस होता है, ठीक है, वाइलेट पे जाके अटैच हो जाता है। ये हो गए आई के मसल्स। उसके बाद नोज़ के मसल्स पे आ जाते हैं। नोज़ का मसल एक प्रोसेसरस होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे जाके लग जाता है। और दूसरा होता है ये वाला इसको हम कहते हैं कंप्रेसर नेरीस, और फिर आता है डायलेटर नेरीस। कंप्रेसर नेरीस यहाँ से शुरू होता है, मैक्सिला से शुरू होता है, लैटरल टू द नोज से, और यहाँ पे लग जाता है। और जो डायलेटर नेरीस होता है वायलर कार्टिलेज पे लग जाता है, उसमें ज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। और एक होता है सेप्टल डिप्रेसर सेप्टा, ठीक है, वो भी इधर आके लग जाता है, वो भी मैक्सिला से निकलता है और लगता है, ठीक है। तो ये चार मसल्स हो गए नोज़ के कंप्लीट। कौन कौन से? प्रोसेरस आ गया, उसके बाद आता है कंप्रेसर नेरीस, फिर डायलेटर नेरीस आता है, और फिर डिप्रेसर सेप्टा मसल, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इसके मसल्स के पास, माउथ के मसल्स। अच्छा, यहाँ से मैं दिखा दूँ आपको, ये है कंप्रेसर नेरीस मसल, बाकी नज़र नहीं आते। इसमें ये कंप्रेसर नेरीस है और इसमें ये वाला। चलें जी, अब इसके बाद चलते हैं माउथ के मसल्स। माउथ के मसल्स में सबसे पहले ऑर्बिकुलरिस ऑरिस होता है, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक पार्ट होता है और जो कि इधर बिल्कुल लिप्स में होता है अंदर, और एक ऑर्बिटल एक्सट्रिंसिक पार्ट होता है, ठीक है, सॉरी एक्सट्रिंसिक पार्ट होता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास ये वाला मेंटालिस, ये वाला मेंटालिस होता है, और बक्सिनेटर मसल होता है, ये वाला बक्सिनेटर, यू कैन सी योर हेयर, ये बक्सिनेटर मसल है जो कि शुरू होता है, ये बक्सिनेटर मसल है जो कि मैंडिबल और मैक्सिला से ओरिजिनेट करता है, जस्ट ऑपोजिट टू द ये मोलर टीथ, लेकिन बिल्कुल मोलर टीथ के इधर से निकलता है, ये ऊपर इधर से ऑब्लिक लाइन से भी निकलता है बक्सिनेटर, ठीक है, और जाके इंसर्ट हो जाता है लिप्स पे, लोअर और अपर लिप्स पे। अब उसके बाद बक्सिनेटर का हो गया, ये भी बक्सिनेटर है, ठीक है। अच्छा, बक्सिनेटर के बाद हम लोग चलते हैं ये राइसोरियस के पास। राइसोरियस जो होता है ना, मैसेटर्स के फेशिया से निकलता है और एंगल ऑफ माउथ पे लग जाता है, ये वाला राइसोरियस है। अच्छा, मैसेटर का भी बताना है, मैसेटर जो मसल होता है ना वो निकलता है, जैगोमेटिक बोन होती है ना, यहाँ से निकलता है और नीचे लैटरल सर्फेस ऑफ द मैंडिबल पे लगता है, ये लैटरल सर्फेस ऑफ मैंडिबल है ना ये वाली, ठीक है, ये लैटरल सर्फेस ऑफ मैंडिबल होती है, यहाँ से निकलता है और इस तरह पीछे जाके इधर अटैच हो जाता है, मैसेटर मसल, ठीक है। और ये वाला तो आपको पता है, ये वाला टेम्पोरालिस मसल है, ये वाला टेम्पोरालिस मसल यहाँ पे आके लगता है, इसमें ये वाला टेम्पोरालिस मसल है, ये वाला आके नीचे लग जाता है। इसके बाद राइसोरियस भी हो गया, मैस्टर हो गया, और अब हम लेबाय वाले की बात करते हैं। हमारे पास एक होते हैं लेवेटर लेबाय सुपीरियरिस, और एक होते हैं डिप्रेसर लेबाय सुपीरियर इन्फीरियरिस, ठीक है। तो लेवेटर लेबाय सुपीरियरिस जो होते हैं ना, वो ये वाला होता है जो कि द इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन से निकलता है और जाके ना लेबाय को लग जाता है, यानी लेबम यू कैन से लिप पे लग जाता है, ये वाला है। इसमें ये वाला है इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन से निकलता है और लेबम पे लग जाता है। उसके बाद जो लेवेटर लेबाय सुपीरियरिस एलेकिनेसी जो होती है ना, वो निकलती है मैक्सिला से, यहाँ से, ठीक है, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला से निकल के जाके अगेन वो लिप पे लग जाती है, ठीक है, लैटरल हाफ ऑफ द लिप पे लग जाती है, और ये एलर कार्टिलेज पे भी लगती है, ये देखिए इसमें भी नज़र आ रही है ये वाली। अच्छा,
लेवेटर लेबाई सुपीरियरिस एलेकाई नेजा नेजा, ये भी हो गया। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं एंगुलर ऑरिस मसल्स को। तो एंगुलर ऑरिस मसल जो एंगल पे जाके लगते हैं, लेबाई वाले किस पे लगते हैं, लेबम पे लगते हैं यानी लिप पे लगते हैं, और जो एंगुलर वाले है ना ये वाला, ये एंगल ऑफ द माउथ पे लगता है। तो एंगल ऑफ द माउथ पे ये शुरू कहाँ से होता है, इंफ्राऑर्बिटल फॉरमेन होता है ना उसके नीचे से शुरू होता है, ओरिजिनेट करता है और फिर एंगल पे लग जाते हैं। ठीक है, इसमें ये वाला और इसमें है ये वाला। ठीक है, ये हो गया। सो अभी तक हमने कितने मसल्स पढ़ लिए माउथ के, ये ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, ठीक है, ये राइसोरियस हो गया, ये बक्सिनेटर हो गया, ये लेवेटर लेबाई सुपीरियरिस, ये है लेवेटर लेबाई सुपीरियरिस एलेकाई नेज़े, और ये वाला था। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, ये वाला जिसको हम कहते हैं लेवेटर एंगुलर ऑरिस। ठीक है, अब हम लोग जाइगोमेटिकस माइनर और मेजर की तरफ चलते हैं। माइनर जो होता है ये, अच्छा ये दोनों जो है ना जाइगोमेटिकस हैं जा रहे, तो जाइगोमेटिक बोन से निकलेंगे, तो जाइगोमेटिक बोन के जो एंटीरियर से निकलेगा ना उसको हम कहेंगे जाइगोमेटिकस माइनर, और यहाँ पे आके लगेगा लिप पे, और जो एंगल पे लगता है ना उसको मेजर कहते हैं। ठीक है, ये वाला आके एंगल पे लग जाएगा मेजर, जाइगोमेटिकस मेजर हो गया। और इसमें भी आप देख सकते हैं ये वाला है माइनर, जाइगोमेटिकस माइनर, ये जाइगोमेटिक बोन है, इधर से एंटीरियर से निकलेगा जाइगोमेटिकस माइनर, और पोस्टीरियर एस्पेक्ट से लेटरल सरफेस के, ठीक है, यहाँ से निकलेगा जाइगोमेटिकस मेजर जो एंगल पे लगता है और ये लिप पे लगेगा। अच्छा जी, ये मसल्स हो गए हमारे पास, अब कौन सा रह गया, अब नीचे वाले मसल्स रह गए। तो उसमें तो ये सही था मसल, अच्छा इसमें होता है कि अच्छा अब होता है हमारे पास डिप्रेसर लेबाई इन्फीरियरिस, वो भी लिप्स से, लिप्स पे लगते हैं ना, तो ये इधर मैंडिबल होता है उसकी, उधर लगता है मैंडिबल पे और ऊपर जाके लिप्स पे लग जाता है, ये होता है डिप्रेसर लेबाई इन्फीरियरिस। फिर एंगुलर ऑरिस ये वाला होता है, ये इससे नीचे से निकलता है मैंडिबल से ही और फिर एंगल पे जाके लग जाता है। उसके बाद है ये वाला मेंटालिस, ठीक है, और ये हो गए मसल्स। एक और चीज़ सिखा दूँ, मैंने कहा था ना जो सुपीरियर एंगुलर ऑरिस होते हैं ना वो इंफ्रा ऑर्बिटल फॉरमेन के नीचे से निकलता है, ये देखें, ठीक है, और एंगल ऑफ माउथ पे लग जाता है। बाकी बस यही है। सो दिस इज द पैल्पेबर पार्ट, दिस इज द ऑर्बिटल पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ऑक्युलाई।